तमाम वीवीआईपी सीटों पर हम लगातार बात कर रहे हैं। एग्जिट पोल में किस तरीके से वीवीआईपी सीट किसके हक में जा रही है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। अब बात करेंगे अब वडगाम सीट की। वडगाम सीट जहां पर कांग्रेस के जिग्नेश मेवानी आगे नजर आ रहे हैं। जिग्नेश मेवानी जो कि 2017 में कांग्रेस के सपोर्ट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे, जीते भी थे, लेकिन अब इस बार सीधा कांग्रेस में शामिल होकर कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर ही अपना चुनाव वो लड़ रहे हैं और एग्जिट पोल में जीतते हुए नजर भी आ रहे हैं। मैं राकेश से एक छोटा सा कमेंट लूंगी। राकेश, ये जो बडगाम सीट है यहाँ पर जिग्नेश मेवानी को जीत नजर आ रही है, लेकिन जिग्नेश मेवानी ने पहले भी कहा था कि वो बीजेपी में जिंदगी में कभी शामिल नहीं होंगे, फिर चाहे वो राजनीति छोड़ दें। वो असूल ही है क्या उनको आगे लेकर जा रहे हैं और क्या कंफर्टेबल विन उनके लिए हो सकती है? देखिए, जीत जाएंगे जिग्नेश मेवानी वहां से, लेकिन जिग्नेश मेवानी की जब करियर की शुरुआत हुई थी 2017 में अगर हम जाएं तो उनके साथ दो और बड़े चेहरे थे, हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर। वो दोनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और पहले तीनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी के बारे में भला बुरा कहते थे, लेकिन उनमें से दो लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जिग्नेश मेवानी के लिए ये बात भी है, वो हर बार पूछी जा रही थी, हर जगह ये सवाल भी उठ रहे थे कि क्या वो भी जा सकते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी में। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ये उनके खिलाफ बात जा सकती है, लेकिन अगर उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो जिग्नेश मेवानी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल जो है होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो बिल्कुल, मैं अल्केश जी आपसे भी इस पर छोटा कमेंट लेना चाहूंगी, क्योंकि जहां पर हार्दिक पटेल की सीट फंसी हुई है, अल्पेश ठाकुर की सीट फंसी हुई है, वहां पर क्या जिग्नेश मेवानी को इतनी आसान जीत मिल पाएगी? तो मिल पाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, एक ग्राउंड लेवल के से जुड़ा हुआ नेता है और उसकी जो सोच है, वो जो बीजेपी वाली बात है, बीजेपी में जाने की बार बार जो उठती है, कहा जाता है, वो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसका उसका जो उसकी जो विचारधारा है वो बिल्कुल सेंटर लेफ्ट है, तो वो किसी भी हाल में नहीं जाएगा और वहाँ काम करता रहता है और उसकी वजह से उसको कोई मुश्किल इस सीट पर तो नहीं आने वाली। मैंने कहा मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिग्नेश हार जाएगा, लेकिन क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अगर जिग्नेश जीतेगा भी तो हारते हारते जीतेगा, क्योंकि मैं ना सारे समीकरण भी देख रहा हूँ। पिछली बार देखिए क्या हुआ, यहाँ पे देखिए मुस्लिम वोट है करीब 76,700 और दलित वोट है करीब 70,000 के आसपास। इसके अलावा यहाँ पे दो और मुख्य वोट है और वो है ठाकुर और चौधरीओं के, एक है 39,000 और एक है 36,000। पिछली बार अल्पेश ठाकुर ने जबरदस्त कैंपेन किया था जिग्नेश के लिए, ठाकुर वोट उसकी तरफ पड़वाने के लिए, और कांग्रेस का जो कैंडिडेट था मणिभाई वाघेला वो उसके लिए सीट छोड़ चुका था, उसको सपोर्ट कर रहा था। इस बार परिस्थितियां डिफरेंट है और मणिभाई वाघेला मैं आपको बता दूं एक ग्राउंड से जुड़ा हुआ नेता है, कद्दावर नेता है और दलित वोटों में उसकी वजह से भारी डिविजन होगा और मुस्लिम वोट कितने पड़े हैं वहां पे ये भी देखना होगा, क्योंकि वडगाम में भी वोटिंग जो है वो थोड़ी कम हुई है इस पिछली बार के कंपैरिजन में। तो अब अगर मुस्लिम वोट थोड़े से भी निष्क्रिय हो गए होंगे तो जिग्नेश के लिए हो सकता है कि ये सीट गंवानी भी पड़ सकती है उसको इस सिचुएशन में। इसलिए मुझे ये लग रहा है कि बहुत ही कांटे की टक्कर वहाँ पे इस बार रहने वाली है, जो भी जीतेगा वो भी बहुत कम मार्जिन से जीतेगा। बिल्कुल, तो जिग्नेश मेवानी के लिए वडगाम की सीट केक वॉक नहीं होने वाली है, काफी मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।